हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मर एंड द मोस्ट टाइम पे टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट. ओके, तो फर्स्ट वी नोट डाउन द टॉपिक. टॉपिक इज द ट्रांसफॉर्मर. ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मर. मीन्स कि हमें ट्रांसफॉर्मर की जरूरत क्यों पड़ी, कि हम ट्रांसफॉर्मर का यूज क्यों करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए अगर हम सबसे फर्स्ट देखें तो उसके लिए अगर हम देखें तो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा होता है. ट्रांसफार्मर का रियल में हम बात करें, तुमने कहीं पे भी अपने जो सोसाइटी होगी, सोसाइटी का जो मेन हेड होगा, जहां से तुम्हें सप्लाई वगैरह मिलती होगी, वहां पे अगर तुमने देखा तो एक आयरन का जैसे बॉक्स जैसा रहता है. ठीक है, वहां से सभी चीजों को क्या करती है, सभी घरों में क्या होती है, सप्लाई आती है. वहां पे एक जैसा बॉक्स जैसा देखा होगा, नॉर्मली उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं. ठीक है, तो लगाने की वहां पे जरूरत क्यों पड़ी. डायरेक्टली अगर जहां से सप्लाई आ रहा है, डायरेक्टली अगर हमारे घर में आ जाए तो भी क्या दिक्कत है. ठीक है, तो उसके लिए देखें तो हमारा जो मेन सोर्स होता है, जो पावर होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कहां पे होती है, पावर प्लांट्स के अंदर होती है. और पावर प्लांट्स कहां पे बने होते हैं, जनरली अगर हम देखें तो डैम्स पे बने. तो डैम्स के पास हमारा क्या होता है, पावर प्लांट होता है, और वहां पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. और वहां से पावर प्लांट से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करता है और कहां पे आता है, हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर. और ट्रांसफार्मर से कहां आता है, हमारे घर के अंदर. ठीक है, इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है. बट डायरेक्टली अगर पावर प्लांट से अगर हम डायरेक्टली घर में सप्लाई कर ले या डायरेक्टली इनपुट दे दे तो क्या दिक्कत होगी, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो उसके लिए अगर हम देखें तो पावर प्लांट में जो हम बात करें कि वहां पे जो पावर जनरेट होगा या जो पावर प्रोड्यूस होता है वो किस टर्म में होता है, वो किलोवाट या फिर मेगावाट के टर्म में होता है. जैसे भी अगर नॉर्मली हम बात करें तो क्या होता है, किलोवाट. तो 1 किलोवाट मीन्स क्या होगा, 1000 वाट. 1 किलोवाट का मीन्स क्या होगा, 1000 वाट. और सेकेंड अगर हम बात करें 1 मेगावाट की, नॉर्मली अगर पावर प्लांट की बात करें तो किस टर्म में प्रोड्यूस करता है, पावर जो प्रोड्यूस होता है वो मेगावाट के टर्म में प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और मेगावाट की अगर हम बात करें तो मेगावाट मीन्स क्या हो जाएगा, 60 वाट, मीन्स की 10 लाख वाट. ठीक है, इतना पावर क्या होता है, वहां पर जनरेट होता है. और यही पावर अगर डायरेक्टली हमें क्या करते हैं, बिना ट्रांसफॉर्मर के डायरेक्टली हमारे घर में सप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, हमारे घर के अंदर हम बात करें तो नॉर्मली जो भी सिस्टम या जो भी हम इक्विपमेंट से जो डिवाइस वगैरह हम यूज करते हैं तो 15 वाट, 20 वाट, मैक्सिमम 50 वाट, या फिर और कंसीडर कर सकते हो 100 वाट, 200 वाट तक. ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा करोगे तो 500 वाट तक के हमारे डिवाइस हम घर में यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा पावर अगर कंज्यूम हो रहा हो तो. ठीक है, और डायरेक्टली अगर तुम कनेक्ट करोगे तो वहां पे मिनिमम कितना पावर जनरेट होता है, 1000 वाट. और ये 1000 वाट अगर डायरेक्टली हमारे घर में सप्लाई कर दे तो कोई भी डिवाइस के इजीली डायरेक्टली पॉसिबल होगा, ऑन होगा, नहीं वहां पे वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उसको जितनी कैपेसिटी उससे क्या कर रहे हैं, हम डबल पावर दे रहे हैं उसको. ठीक है, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पावर प्लांट से हम घर में सप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. ठीक है, पहला तो ये रीजन हो गया था. इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ट्रांसफार्मर. तो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा होगा, वहां पे जो भी पावर आ रहा होगा, पावर को क्या करता होगा, वहां पे कंट्रोल कर रहा होगा कि पावर हमें जितनी जरूरत है उतनी क्या कर रहा होगा, सप्लाई कर रहा होगा. जो ज्यादा पावर आ रहा होगा उसको क्या कर रहा होगा, वो कंट्रोल कर रहा होगा. और इक्वली सब में क्या कर रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा. मेन तो फर्स्ट वर्क तो ये हो गया. और सेकेंड थिंग अगर हम बात करें तो पावर प्लांट से अगर हम घर के या होम के डिस्टेंस की बात करें तो नॉर्मली जो पावर प्लांट्स होते हैं, डैम वगैरह होते हैं, वो सिटी से 100 या 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं. कोई भी सिटी के अंदर कभी भी डैम नहीं बना होता है, सिटी से 150 या 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्या होता है, डैम बना होता है. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पावर प्लांट से जो हमारा होम होगा उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 to 150 किलोमीटर मिनिमम इतना डिस्टेंस होता है. ठीक है, और इतना डिस्टेंस होगा तो वहां पे हमें किसका यूज करना पड़ेगा, वो पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जाड़े जाड़े जो थिक वायर होते हैं उनका यूज करते हैं. और वायर यूज कर रहे हैं वहां पे कितना, 150 या 100 किलोमीटर लेंथ के, 100 किलोमीटर का यूज क्या करेंगे, वायर का यूज करेंगे. ठीक है, और नॉर्मली हम देखा है कि किसी भी वायर में से या किसी भी डिवाइस में से अगर करंट सप्लाई हो रहा हो, जैसे अगर नॉर्मली हमारे बल्ब घर में बल्ब जो होता है उसको भी अगर 5 मिनट हम ऑन रख के रखते हैं तो वहां पे क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है, हॉट होने लगता है, मीन्स वहां पे क्या प्रोड्यूस होने लगती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है. ठीक है, तो यहाँ पे 1000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदर से और 1000 वाट या 1 मेगावाट जितना पावर सप्लाई कर रहे उसके अंदर से फ्लो हो रहा हो तो वहां पे वायर कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा. ठीक है, तो वहां पे जो वायर होंगे वो वायर क्या कर रहे होंगे, वहां पे हीट प्रोड्यूस कर रहे होंगे. और हीट के लिए अगर हम देखें तो हीट के लिए फॉर्मूला रहता है H is equal to I square RT.
ठीक है, वहां पे हीट प्रोड्यूस होने का मेन रीजन क्या हो सकता है कि आई एक तो करंट से होगा, अब इतना वोल्ट होगा इतना पावर होगा तो हमें करंट की वैल्यू भी तो बहुत ज्यादा होगी। एक तो डिपेंड किस पे करेगा, करंट पे, उसके अंदर से जो करंट सप्लाई हो रहा है। सेकंड, वायर के जो रेजिस्टेंस होगी उस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और थर्ड किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो करंट को हम थोड़े देख देते हैं, पहले हम बात करें रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक टाइप का कॉन्स्टेंट है, मींस कि किसी भी वायर के जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ओम्स लॉ में वी प्रोपोर्शनल टू आई, तो वी इज प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, और वो कॉन्स्टेंट हमारा कौन सा होता है, रेजिस्टेंस। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे, आई आर। तो आर क्या है, एक टाइप का कॉन्स्टेंट, मीन्स उसकी वैल्यू हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वेरी नहीं कर सकते। तो ना तो इंक्रीज कर सकते ना डिक्रीज कर सकते, मतलब वायर के अंदर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या नहीं कर सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। और थर्ड अगर हम बात करें टाइम की, तो मतलब टाइम क्या, मतलब पावर प्लांट से जो घर तक हमारे जो पावर आ रहा उसको जो टाइम लग रहा है, उस टाइम को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कम करने का एक ही रीजन है, एक ही चांस है कि क्या करो, तुम घर अपने पावर प्लांट के पास बना लो। बट ये भी तो पॉसिबल है ना कि सभी जा जा के हम पावर प्लांट के पास घर बना ले, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा खतरा वगैरह रहेगा, क्योंकि कभी भी डैम अगर मान लो ब्रेक हो गया हो तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। और डिस्टेंस रहेगा तो वहां से पावर यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो टाइम को भी हम क्या नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, हम किसको क्या कर सकते हैं, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। करंट को अगर हम क्या कर दें, मिनिमम कर दें, करंट को अगर हम क्या कर दें, मिनिमम कर दें। और करंट को अगर हम मिनिमम करेंगे तो हमारी जो हीट एनर्जी वायर के अंदर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक ऑप्शन और देखें तो, जो अगर हम बात करें तो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है हमारा सिल्वर का, सबसे कम अगर हम बात करें सबसे कम रेजिस्टेंस होता है सिल्वर का, ठीक है। तो क्या करेंगे, जितने भी वायर हम यूज कर रहे हैं वायर सभी किसके बना दो, सिल्वर के बना दो। बट हमें ऑलरेडी पता है कि सिल्वर की प्राइस इतनी ज्यादा है कि अगर वहां पे हम सिल्वर के वायर बनाने बैठेंगे तो वहां पे जो गवर्नमेंट होगा तो उनका कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा कि जो चीज पावर सप्लाई देंगे उसका कॉस्ट बढ़ेगा। तो कॉस्ट किस पे होगा, हम ही पे अप्लाई करेंगे, तो हमें जो बिल पेमेंट करना होगा बिल का अमाउंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए मना करेंगे, सर रहने दो, इससे बेटर ना यूज करें तो ही ठीक है, मोमबत्ती से काम चला लेंगे, ठीक है। तो वहां पे एक काम हो गया, सिल्वर का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर का यूज करने में हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, इसके लिए हम सिल्वर का भी यूज नहीं कर सकते। और वहां पे जो हीट एनर्जी है उसका भी हम कहीं पे यूज हो रहा है नहीं, वो हमारे लिए टोटली क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो कैसे भी करके हमें क्या करना है, हीट एनर्जी को कंट्रोल करना है। और हीट एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है करंट। करंट को तुम मिनिमम कर दो, करंट को मिनिमम करेगा तो हमारी हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा मेन टारगेट क्या है, करंट को मिनिमम करना, ठीक है। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी तुम नोट डाउन अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया मेन रीजन कि हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेन रीजन क्या हो गया, हमें करंट मिनिमम करना है, करंट को रिड्यूस करना है, ठीक है। जैसे अब अगर हम जैसे मान लो बात करें कि जैसे कि हमें यहाँ पे पावर प्लांट हो गया, और पावर प्लांट में मान लेते हैं कि जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है कितना हो रहा है, 6 वॉट। और हमें घर में भी कितना, हमारे घर पे जो पावर सप्लाई चाहिए हमें भी कितना चीज, 6 वॉट पावर सप्लाई चाहिए। इस वहां से कितना 6 वॉट प्रोड्यूस कर रहे, हमें कितना चीज, 6 वॉट चाहिए, ये चीज क्लियर है। इतना याद रखना एग्जाम्पल के लिए, समोज के लिए, ठीक है। वैल्यू कंसीडर नहीं करना, वैल्यू अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वहां से 6 वॉट जनरेट कर रहे हैं और हमें भी कितना चाहिए, 6 वॉट चाहिए, मतलब यहाँ पे बीच में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हमें क्या करना है, कम करना है, ठीक है। जो हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। उसके लिए क्या करना था, करंट को कम करना। तो अगर पावर के लिए हम देखें तो पावर के लिए हमारा अगर हम बात करें तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, मतलब वी इंटू आई की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 कैसे निकाल सकते हैं, 6 वोल्ट अगर हमें चाहिए तो ये भी कंडीशन है कि अगर क्या करें, वोल्टेज की वैल्यू 2 रख लो, करंट की वैल्यू 3 रख लो तो भी 6 वोल्ट मिलेगा। वोल्टेज की वैल्यू 2 रख लो, करंट की वैल्यू 3 अगर होगी तो भी हमें 6 वोल्ट मिलेगा। हमें क्या करना है, हीट एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए
करंट की वैल्यू को रिड्यूस करना है, तो करंट की वैल्यू 3 है, 3 की जगह 2 कर दो, तो वोल्टेज इंक्रीज कर दो, तो भी 6 वोल्ट मिल रहा है हमें। 6 वोल्ट चाहिए कैसे भी लेके आओ, तो वोल्टेज को इंक्रीज करो या करंट को इंक्रीज करो हमारे लिए मैटर नहीं है, ठीक है। तो क्या किया हमने, वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, करंट को डिक्रीज कर दिया, 6 वोल्ट अभी भी मिल रहा है। सर और करंट अगर कम कर दे, तो और कम कर दो, क्या जाएगा 4 × 1.5, तो भी कितना मिलेगा 6 वोल्ट। करंट देखो 3 से 2 हो गया, 2 से 1.5 एम्पीयर हो गया, और वोल्टेज क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे, करंट रिड्यूस कर रहे। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि हमें 6 वोल्ट होना चाहिए, और वो 6 वोल्ट हमें मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सर और कम करना, और कम कर लेते हैं, वोल्टेज को हमने 6 कर दिया, करंट को 1 कर दो, तो भी 6 वोल्ट होगा। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हो तो हम करंट को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट इनिशियली 3 था, 2 हो गया, 1.5 हो गया, 1 हो गया। करंट को रिड्यूस करोगे, और करंट को रिड्यूस करोगे तो हीट एनर्जी के लिए फॉर्मूला है I²RT, और करंट की वैल्यू अगर रिड्यूस कर रहे हो तो वहां पे हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। बट उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने आप तो होगा नहीं, इसके लिए जो डिवाइस यूज होती है उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो यहाँ पे एक रीजन मिल गया हमें कि ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। ट्रांसफॉर्मर का मेन फंक्शन यहाँ पे क्या आ गया, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि हमें करंट को डिक्रीज करना है, इसके लिए वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, और ये काम कौन करता है, ट्रांसफॉर्मर करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन रीजन कि ट्रांसफॉर्मर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। चल देखो, तो अब अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर को कि वोल्टेज इंक्रीज करेगा, चलो वहां से तो उन्होंने क्या किया, वोल्टेज इंक्रीज किया, करंट डिक्रीज कर दिया, बट हमारे घर में जब वापस सप्लाई आ रहा होगा तो हमें क्या हाई वोल्टेज देंगे, करंट बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो चलेगा नहीं। तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमारे घर पे जब आएगा तो हमें करंट भी चाहिए और वोल्टेज भी चाहिए, तो वापस हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को डिक्रीज करना है और करंट को इंक्रीज करना है, तभी भी हम क्या यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। तो सर दोनों ट्रांसफॉर्मर, एक ही ट्रांसफॉर्मर दो काम कैसे करेगा, तो कुछ नहीं, पहले लिख लेते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज। बट ट्रांसफॉर्मर के क्या होंगे, मेनली टू टाइप्स होंगे। फर्स्ट टाइप होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, फर्स्ट क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और सेकेंड होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब देखो नाम से ही तुम्हें चीज क्लियर हो जाएगी, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। स्टेप अप, अप मीन्स क्या होता है, अप करना, तो वोल्टेज को जब इंक्रीज कर रहा होगा तो उस ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे हम ये चीज लिख सकते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा होगा तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और सेकंड क्या कर रहा होगा, वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। दोनों चीज हो गई। अब देखो यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, एक लगाते हैं हम पावर प्लांट के पास यहाँ पे, और एक लगाते हैं हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर घर के पास जो लगा होता है। तो जो पावर प्लांट के पास जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वहां पे हमें क्या करना होता है, वोल्टेज को इंक्रीज करना है। तो वहां पे जो ट्रांसफॉर्मर लगता है वो कौन सा होगा, हमारा स्टेप अप। और हमारे घर के आसपास, सोसाइटी के आसपास जो ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर होगी, कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, वहां पे वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जैसे हमारे घर के पास आएगा तो वो ट्रांसफॉर्मर वापस क्या करेगा, वोल्टेज को डाउन कर देगा, और जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से सेट करके, कंट्रोल करके हमें सप्लाई कर देगा। तो देखो ट्रांसफॉर्मर की फर्स्ट क्या हो गई, नेसेसरी हो गई कि हमें क्यों जरूरत हुई, फिर टाइप्स हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन पे, और फिर लास्ट में हम जाएंगे डेरिवेशन पे, ठीक है। तो भी फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और चीजें याद रखना। देखो बुक में इतनी चीजें नहीं मिलेगी, बुक से ज्यादा ही चीज कवर करवा रहे हैं हम, ठीक है। और किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कमेंट का आंसर तुरंत नहीं मिलेगा, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है, देखो तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन। और फर्स्ट अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल की बात अगर हम करें, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए अगर हम देखें तो प्रिंसिपल कौन सा यूज करेगा, प्रिंसिपल यहां पे यूज होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये चीज हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं,
म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मीनिंग क्या होगा, कोई भी दो चीजों में अगर एक चीज में से क्या कर रहे हैं डायरेक्टली हम दूसरे में यूज करते हैं बिना कोई वर्क के, तो उसको हम क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और किसी को डाउट हो तो देखो लिंक में जाके प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हो, चैप्टर नंबर 6 में ये टॉपिक हम ऑलरेडी पूरा डिस्क्राइब डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये हो गया इसका प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बेस पे वर्क करेगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, सिंपल सा डायग्राम है, दो टाइप से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। एक तो ये हो सकता है इसकी ऐसे क्या करना, सॉफ्ट आयरन का कोर बना दो, क्या किया प्लेट लिया किसका सॉफ्ट आयरन का और क्या बना दो कोर, कोर मतलब कुछ नहीं प्लेट जैसा बना दो, और इस पे तुम्हें क्या करना है वायर को वाउंड करना है और कोइल बनानी है, ठीक है। वायर को वाउंड करना और कोइल बनानी, इसमें दो तरीके से कर सकते हो। एक वायर लेंगे हम, उसको क्या करेंगे यहां से वाउंड करेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको तुम क्या बोलोगे यहां से करंट सप्लाई होगा, करंट जैसे सप्लाई होगा तो करंट पास होगा, करंट पास होगा तो ये क्या कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगे, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं क्लोज लूप बनाते हैं, तो यहां से फ्लो क्या प्रोड्यूस होगा ऐसे मोशन कर रहा होगा, फिर और एक मैग्नेटिक फील्ड यहां से प्रोड्यूस होकर ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया करंट एंटर किया जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और इस कॉइल को हम क्या बोलेंगे प्राइमरी या फिर इनपुट बोल सकते हो, दोनों नाम लिख सकते हो इनपुट या फिर दूसरा बोल सकते हो प्राइमरी, ठीक है। और दूसरी कॉइल हम क्या बनाएंगे, दूसरी कॉइल बनाएंगे इस साइड हम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए आउटपुट या फिर बोल सकते हो सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। बस इतनी चीज याद रखना, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम करंट में चेंजेस करोगे, जैसे हम आगे कर रहे थे करंट में चेंज कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जिसकी वजह से आउटपुट में भी क्या हो जाएगा हमें चेंजेस मिलेगा, ठीक है। एक तो ये टाइप से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, या फिर दूसरा अगर हम बात करें तो इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। एक रोड बना दिया किसका सॉफ्ट आयरन का, ठीक है। और उसके ऊपर क्या करना है यहां से एक इनपुट लगा दो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इनपुट के लिए या फिर इसको बोल सकते हो प्राइमरी के लिए। और सेकेंडरी भी क्या करना है इसी के अंदर रोटेट करना है, इसी के अंदर इन्वॉल्व करना है, कैसे इस तरह से। ये हो गया हमारा सेकेंडरी। अब ये किस तरह से हो रहा है सर समझ में नहीं आया, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। देखो मिक्स नहीं होंगे, इस तरह से होंगे, जैसे मान लो ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी, ठीक है। अब प्राइमरी इस तरह से तुमने वाउंडिंग किया हुआ है, तो बीच में जो गैप होंगे उस गैप के अंदर तुम्हें क्या करना है सेकेंडरी को ऐसे फिट करना है, ठीक है। ऐसे दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच नहीं करना है, ऐसे प्राइमरी बना के प्राइमरी के बीच में जो गैप होंगे उस गैप के अंदर तुम्हें क्या करना है ऐसे सेकेंडरी को रोटेट फिट करना है, ठीक है। अब यहां से देखोगे तो प्राइमरी क्या कर रहा होगा, करंट जैसे ही फ्लो होगा तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके अंदर से पास होगी सेकेंडरी कॉइल में से भी पास होगी। तो फर्स्ट में फ्लक्स में चेंजेस करोगे तो उसकी वजह से सेकेंड में भी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहां पे देखें अब स्टेप अप या स्टेप डाउन का कैसे बताते, देखो ये दोनों टाइप से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ये नहीं कि स्टेप अप है और ये स्टेप डाउन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन की, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो यहां पे अगर जो देखो नंबर ऑफ जो टर्न्स होंगे प्राइमरी के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको हम डिनोट करेंगे एनपी से, यहाँ पे भी इसको लिख देते हैं एनपी से नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ प्राइमरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल के लिए हम क्या यूज करेंगे एनएस, ठीक है। क्या कंडीशन रखना है एनएस, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन होगी, यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है एनपी ग्रेटर देन है एनएस से, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन और कंपेयर टू मोर टू द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के कंपैरिजन में क्या है प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर प्राइमरी के ज्यादा तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर को हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। बस देखो ये कंडीशन याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन, एनपी इज ग्रेटर देन एनएस, यही चीज हो रही है यहाँ पे। तो ये किसका डायग्राम हो गया स्टेप डाउन का। तो इसी के ऑपोजिट स्टेप अप के लिए अगर हमें कंसीडर करना हो तो क्या हो जाएगा एनपी लेस देन एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज लेस देन और कंपेयर टू लेसर टू द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल के कंपेरेटिव में अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे स्टेप अप टर्न,
ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। बस इतनी सी कंडीशन हमें याद रखनी है। अब देखो सीधी सी बात, ये याद रख सकते हो यहाँ से, और तरीके से याद रखना तो एक तरीका और है, मेथड से याद रख सकते हो। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स लेस है, इस वोल्टेज क्या हो रहा होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, यहाँ वोल्टेज ज्यादा मिलेगा यहाँ वोल्टेज कम मिलेगा, ये बोल सकते हो। तो उसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। और प्राइमरी में लेस होंगे और यहाँ मोर होंगे, तो यहाँ से इंक्रीज हो रहा होगा और इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस होगा कंस्ट्रक्शन में, दोनों डायग्राम ड्रॉ करना है, और स्टेप अप कब होगा, स्टेप डाउन कैसे जनरेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो चीज भी यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। तो फटाफट इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से नोट डाउन कर लेना फिर, ठीक है। और लास्ट में हम अब फिर आते हैं डेरिवेशन पे। अब देखो दोनों में फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी उतनी क्या होगी, सेकेंड वाले में से पास हो रही होगी, ठीक है। तब हम आते हैं डेरिवेशन पे। और इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इंडक्टेंस के लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, उसी का यूज करना है। तो जैसे फर्स्ट प्राइमरी के लिए अगर हम बात करें, तो जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसको लिख देते हैं वीपी इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे एनपी, इसके अंदर जो फ्लक्स जनरेट होगा उसको क्या लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी। अब देखो फ्लक्स में हम पी और एस क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। और वैसे सेकेंडरी के लिए अगर देखो, तो सेकेंडरी के लिए क्या हो जाएगा, वीपी अप एस माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ये प्राइमरी के लिए हो गया, सेकेंडरी के लिए, कि प्राइमरी में वोल्टेज अगर फाइंड करना हो तो ये तरीके से कर सकते हो, सेकेंडरी में अगर वोल्टेज फाइंड करना तो ये कर सकते हो। दोनों का रेशियो ले लो, सिंपल सी चीज, Vp upon Vs is equal to minus minus cancel Np d phi by dt upon minus Ns d phi by dt, ठीक है, minus minus cancel d phi by dt cancel, फाइनली फॉर्मूला जाएगा Vp upon Vs is equal to Np upon Ns। हो गया सिंपल सी चीज। बस अब देखो यहां से तुम प्राइमरी नंबर ऑफ इंक्रीज कर दोगे, तो प्राइमरी में नंबर ऑफ इंक्रीज होगा तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और प्राइमरी में इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वहां से चीज तुम क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। और इसके देखो न्यूमेरिकल अगर बात करें नॉर्मल सी, तो कुछ नहीं होगा, तीन चार क्वांटिटी में से तीन की वैल्यू गिवन होगी और फोर्थ फाइंड करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और चलो अब अगर पावर की बात करें सर, करंट के लिए अगर फॉर्मूला चाहिए तो करंट के लिए निकाल सकते हो, तो ऐसा लिख सकते हो पीपी इज इक्वल टू पीएस। अब ये इक्वल कैसे लिखा, तो ये स्टार्टिंग से मैंने बोला था कि पावर प्लांट से हम जितना इनपुट करेंगे उतना इनपुट आउटपुट हमें मिलेगा घर पे। पावर हमें क्या रखना है, इक्वल रखना है। हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, करंट को इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे, करंट को डिक्रीज करेंगे, बट पावर में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर में अगर चेंजेस होगा मतलब हमारे घर में पावर ही कम आएगा, तो उससे तो मेरे को मैटर नहीं है, तो पावर इक्वल होना चाहिए। अब इसमें से अगर मैं फॉर्मूला निकालूं, तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V into I, ठीक है। तो प्राइमरी के लिए लिख रहे हो तो Vp into Ip, सेकेंडरी के लिए Vs upon I, Vs into Is, ठीक है। हमें अगर Vs को कहां लेके आएंगे डिवाइड में, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Vp upon Vs is equal to क्या आ जाएगा, Is upon Ip। देखो हो गया दोनों, कैसे हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे, वीपी अपॉन वीएस और आईएस अपॉन आईपी है, तो एक इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, चीज क्लियर हो गई। और इसके लिए भी अगर लिखना हो तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो, वीपी अपॉन वीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनपी अपॉन एनएस। तो इसमें से तुम अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे दे कि प्राइमरी में 5 है, सेकेंडरी में 10 है, फर्स्ट में अगर करंट हम मान लेते हैं कि 2 एम्पीयर है, तो सेकेंडरी में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है। और कोई ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, सिंपल सा डेरिवेशन है, और इतना नोट डाउन कर सकते हो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।